पंजाब सरकार की ओर से अध्यापकों के वेतन कम करने के मामले में अध्यापकों का संघर्ष लगातार जारी है। पंजाब सरकार की ओर से अध्यापकों के वेतन कम करने के मामले में अध्यापक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसके चलते मानसा की पंजाब लेक्चरर गुरप्रीत कौर ने अपने राज्य पुरस्कार और नगद राशि सरकार को वापस करने का ऐलान किया है। गुरप्रीत कौर को साल 2014 में उनकी शिक्षा विभाग में योगदान के बदले राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 10,000 रुपए नगद भी दिए गए थे। शिक्षा मंत्री जी जां साडे कृष्ण कुमार जी कहंदे ने कि एक निजम ने, निजम तो बाहर जाके असीं इन्हां नूं फुल स्केल आ जिहड़ा ओह पूरा स्केल नहीं दे सकदे। मैं पुछना चाहुंदी हां कि जद मैं भर्ती होई सी मैनूं पूरे स्केल ते भर्ती कीता गया सी, जे उस समय इह निजम सी तां अज दी सरकार ये कह रही है कि निजम नहीं है, तो यह निजम बनाए किसने? इन्हां सरकारां ने साडे नाल साडे आउण वाली पीढ़ी दे नाल खिलवाड़ करन दे लई ये सारे निजम बनाए है, जदों कि MPs MLAs उन्हां ते कोई भी निजम लागू नहीं हुंदे। जेकर सरकार चाहुंदी आ कि इन्हां नूं असीं 10,300 ते भर्ती करना है, तो एक लैवल बना दिता जाए, एक पद्धर होवे जिहदे विच ओह भावें MPs होण, MLAs होण, कोई IAS होण, अध्यापक होण, जां कोई भी अध्यापक कोई भी वर्ग होवे, मुलाजम वर्ग होवे, सारयां दे लई इक पे स्केल उन्हां दी योग्यता दे मुताबक मिथ्या जावे, ना कि इह कल्ले सी ग्रुप जां डी ग्रुप दे उत्ते उन्हां नूं इन्नियां मारू नीतियां उन्हां दे लई लागू कीतियां जाण। इस रोस दे विच ही मैं जिहड़ा अपना स्टेट वार्ड है ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਸੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।